वैसे मुझे समझ नहीं आ रही तुम इतनी जल्दी आ गई। मुझे लगा था कि तुम जरा देर लगाओगे वहां। क्यों दिल नहीं लगा तुम्हारा? दिल तो लग गया था मगर मैं कपड़े लेके नहीं गई थी इसलिए वापस आ गई। इसमें क्या है? नरगिस को कहती वो तुम्हें शॉपिंग ले जाती। भाई खर्चा करवाओ, आखिर सास है तुम्हारी। शॉपिंग की थी हमने मगर शादी के कपड़ों की। महंगे महंगे जोड़े लिए ना। मामी एक बात पूछूं आपसे, नरगिस आंटी आपकी सगी बहन है ना? मतलब आप अपनी बहन के इतने खिलाफ क्यों हैं? नरगिस के खिलाफ कहा हूं, वो तो तुम्हारे हक में बात करती है। वैसे अजीब बात है, आपको अपनी नंद की बेटी का अपनी बहन से ज्यादा ख्याल है। सही बात क्या है मामी, आप मुझे नहीं बताएंगी? असल बात यह है कि मैंने तुम्हारी अम्मी को कभी अपनी नंद ही नहीं समझा, मैंने उसको हमेशा अपनी बहन समझा। खैर अगर तुम्हें मेरे प्यार पे शक है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे आप तो नाराज हो गई, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप बैठे, मैं फोन चार्जिंग पे लगा कर आती हूँ। वजह तो बहुत पुरानी है रोज, नरगिस ने मेरा आया हुआ रिश्ता हथलाया, मेरा, वरना आज मैं मुख्तार की बीवी होती। ये घाव दिल से कभी नहीं निकला। अब मुझे अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल साबिर जैसे निकट्टू हट हराम के साथ गुजारने पड़े। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे कैसे खफा हो सकती हूँ? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ वो इफ्रा कैसी थी? ठीक थी, दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है, बड़ी तेज मक्कार लड़की है, उसकी बातों में मत आना। वैसे एक बात बताएं मामी, इफ्रा के अब्बा क्या बहुत मालदार आदमी है? तुम्हें कैसे पता? वो मेरे साथ आई थी, उसे घर ड्रॉप किया था तब देखा मैंने, बहुत शानदार घर है उनका। अब वाला पुराना देखती। हाँ नया नया मालदार हुआ है, लॉटरी जो निकली है उसकी। लॉटरी निकली है सच में? हरूज बेटा कि क्या नदौलतियों की बात लेकर तुम मुझे बताओ कि इफ्रा और क्या क्या कह रही थी? कुछ नहीं, दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे क्या जरूरत है जब आपने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस उससे दूर रहो और जवाद के नजदीक आने की कोशिश करो। क्या बात है परवीन? साहब चाय। मैंने तो चाय के लिए नहीं कहा। साहब जी वो मैंने सोचा कि आपको तलब हो रही होगी। मुझे तलब नहीं हो रही, मुझे कुछ चीज चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें, और बिला वजह मेरे लिए कुछ भी पकाने या बनाने की कोई जरूरत नहीं। माफ कर दीजिए साहब जी, वो इफ्रा बीबी ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं। ठीक है, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को ऐसे ही जहमत तो उठाना पड़े। मुलाजिम है आपके साहब जी, हमारा हक बनता है कि आपका ख्याल रखे। आपने हमारा इतना ख्याल रखा है, हम पे एहसान किया है, हमें तो चाहिए कि आपके पांव धो धो के भी। नहीं नहीं नहीं, क्या 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 कर रही हो तुम? जाओ जाओ, देखो मुझे कुछ चीज चाहिए होगी तो मैं खुद कह दूंगा तुमसे। अब आइंदा कमरे में नॉक करके आओ, बल्कि कुछ चीज हो तो शायद के हाथ भिजवा दो। माफ करते साहब जी। देखो इस तरह तुम्हारा कमरे में आना मुनासिब नहीं है, और हाँ
मैंने कोई रहम नहीं खाया या कोई एहसान नहीं किया तुम पर। काम जो कर रही हो तुम, उसकी तनख्वाह देता हूँ मैं तुम्हें। बस ठीक है जा। बस जाओ भाई।